भी हैं, बड़े बड़े मुवहिद इकबाल परस्त भी हैं। अजां अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। माजरत से बस मैं बात खत्म कर चुका हूं, मगर ऐन इस शेर के दौरान एक हदीस याद आ गई, तफसील के बगैर हदीस इजाजत हो तो सुना दूं। मुसनद अबू याला की रिवायत है, मुसनद अबू याला की रिवायत है, गजवा बदर में अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भेजा। आप जानते हैं कुरान मजीद में मौजूद है कि जाओ फरिश्तों, तुम्हारा काम लड़ना नहीं है और न ही तुम्हें लड़ने मरने के लिए पैदा किया था, तुम तो तस्बीह तहलील के और मुदब्बिरात अमर वाले लोग हो, तलवारें पकड़ना जंग करना तुम्हारा काम, तुमने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये खून बहाना इनका काम है, हम तो तस्बीह वाले लोग हैं। मगर आज यार ने, यार के गुलामों ने यार से मुतालबा कर दिया है कि डर लग रहा है, तो हुजूर ने फरमा दिया है कि मौला फरिश्तों को भेज, आज अपना निजाम बदल रहा हूं, जाओ तलवारें पकड़ो। और यार खुश इसमें है कि फरिश्ते भी जंग लड़े, मैदान जंग में आ गए, जंग जीती गई। लड़ी तो सहाबा ने, उनकी तलवार लगने से पहले गर्दनें कटती थी, मगर हौसला बंद गया, जंग जीती गई, जंगे बद्र खत्म हो गई, इस्लाम जीत गया, कुफार का लश्कर शिकस्त खा गया। उसके बाद नमाज का वक्त आ गया, मैदान बद्र में ही एक तरफ जाकर आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाना शुरू की। काजी सनाउल्ला पानीपत्ती ने भी तफसीर मजहरी में इसको नकल किया है, नमाज पढ़ाना शुरू की, रिवायत मुसनद अबू याला की। नमाज शुरू हो गई, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों के वफद के कायद थे, कमांडर इन चीफ थे, वो कमांडर थे। उन्होंने सोचा कि जिस मकसद के लिए आए थे वो तो थी जंग, और जंग मुसलमानों ने जीत ली, मकसद पूरा हो गया, अब तो हमारा कोई काम है नहीं। सारे फरिश्तों को इकट्ठा करके जिब्राइल अमीन ने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो अब नमाज में मसरूफ हो गए, मकसद पूरा हो गया, अब हम वापस चले जाएं। जिब्राइल अमीन मलाइका को लेकर अल्लाह के हुजूर वापस चले गए, आसमानों की तरफ वापस चले गए, काम हो चुका, ड्यूटी पूरी हो गई, ड्यूटी भुगता के वापस चले गए। आसमान के करीब पहुंचे, हुक्म हुआ खबरदार आसमानों के दरवाजे मत खोले जाएं। क्यों? जिब्राइल मलाइका का पूरा लश्कर लेकर मेरे मुस्तफा से इजाजत लिए बगैर आ रहा। जिब्राइल अमीन पलट आए। अब हदीस के अल्फाज ये हैं कि पलट कर घोड़े पर सवार थे आका अलैहि सलाम, हालत नमाज में सहाबा कराम पीछे है नमाज, सामने की तरफ खड़े होकर आका के सामने आए और मुस्कराए। मुस्कराना इस बात की अलामत थी कि हुजूर मैंने तो यही समझा कि इजाजत लेने की जरूरत नहीं, पर रब ने आसमानी कायनात में दाखिल ही नहीं होने दिया और वापस मोड़ दिया जिब्राइल जिस महबूब के लिए भेजा था, वरना मैं तो वैसे ही एक अमर से ही फतह दे सकता था, उसकी खातिर भेजा था, उसकी इजाजत के बगैर वापस नहीं पलट के आ सकते, जाओ इजाजत लेके आओ। तो इस ख्याल से मुस्कराए और आका अलैहि सलाम भी हालत नमाज में जिब्राइल अमीन को देख के मुस्कराते, इनका मुस्कराना ये बता रहा था जिब्राइल अब पता चल गया, हाय हाय अब पता चल गया ना, ये राजो नियाज की बात थी, मुस्कुराहट हो गई, एक्सचेंज हो गया स्माइल का। जो हदीस में बयान करना चाहता हूं, नमाज से फारिग हो गए सहाबाए कराम जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूछा आका आज नमाज में आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, हाय नमाज में मुस्कुरा क्यों रहे थे। अरे पहली हदीस में तो सहाबा बाएं तरफ थे, आका का चेहरा अनवर पीछे न था, बाएं तरफ था, और सवाल हुआ कि कैसे तक लिया, अब तो सहाबा पीछे खड़े हैं, इमाम अगर मुसल्ले पे खड़ा होके खा हंस रहा हो खा कराहत वाला चेहरा बना रहा हो, पंजाबी में क्या कहते हैं चबीसियां, खा वो चबीसियां कर रहा हो खा मुस्करा रहा हो जो या उबासियां ले रहा हो,
तीसरी सब पे खड़े होने में से कौन देखता है इमाम का चेहरा, वो तो नजर नहीं आता ना। हाय हाय हाय, अरे चबिये वो लोग, मैं क्या कहूं, जो लोग इस राज को नहीं समझ सके उनके पास अकीदा नहीं, बस चबीसियां ही हैं, वो चबीसियां लिए फिरते। हाय हाय, उलमा बुजुर्ग कहा करते थे, बे इश्क नबी जो भी पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। ये हदीस इश्क से समझ में आती है। सहाबा ने पूछा, आका मुस्करा क्यों रहे थे? अरे कोई पूछे और आका ही पूछ लेते, मेरा तो चेहरा आगे था तुम पीछे थे, मेरा मुस्कराना तुमने कैसे देख लिया? हुजूर ने भी नहीं पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए नहीं पूछा कि उनको भी मालूम था, इनके भी मालूम था कि नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बना। हाय हाय, कि ये सहाबा का माहौल ही था कि नमाज रब की पढ़ते थे, जलवा यार का करते। भाई जिसको समझ में बात आ जाए ले जाए, मेरा तो सौदा यही है। जिसको ये सौदा कबूल ना हो, ना झगड़ा करे ना फतवे करे, वो सौदा वापस छोड़ जाए, हमारा कोई झगड़ा नहीं, और गाहक आ जाएंगे उसको दे देंगे, हमारा सौदा तो यही है। आका ने नहीं पूछा कि कैसे देख लिया, पता था कि सहाबा हालत नमाज में भी इस तरह चेहरे कर करके मुस्तफा का दर्द रखते हैं, बुखारी में है, दाएं जानिब बाएं जानिब खड़े होते, नमाज शुरू हो जाती, कई नमाज पढ़ते, कई हालत नमाज में मुस्तफा का रुख तकते रहते थे। ये कैफियत थी सहाबा की, उनकी नमाजें टूटती न थी बल्कि कामिल होती थी। आओ इस अकीदे को अपना लो, ये मुकामे मुस्तफा है, ये मुकामे मुस्तफा है, और मुकामे मुस्तफा को थाम लो, और मुकामे मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए जियो, और मुकामे मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए मरो। जब मुकामे मुस्तफा का इश्क दिलो जान में रगो रेशे में रच बस जाएगा, तो फिर निजामे मुस्तफा की समझ आ जाएगी कि जो मुस्तफा ने दिया वही हुजूर का निजाम। मुकामे मुस्तफा का तहफ्फुज और निजामे मुस्तफा का निफाज, इसको ओढ़ना बिछोना बना लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगियां हमारी मौतें इसी की नजर पर। मैं अख्तिताम पर हजरत ख्वाजा ख्वाजगा का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ और कामयाबी की दुआ करता हूँ, और हजरत मुजाहिद मिल्लत का साया और सरपरस्ती इंशाअल्लाह साथ रही तो अल्लाह पाक